शिमला के गांव के बाजार में टुनटुनी चिड़िया की मिठाई की दुकान थी और उसके हाथ के बने रसगुल्ले दूर दूर तक मशहूर थे। दुकान पर सुबह से शाम तक पक्षियों की भीड़ लगी रहती थी, इसलिए टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। उसकी दुकान के सामने ही कालू कौवे के स्पेशल रसगुल्ले की भी दुकान थी, मगर उसकी दुकान की तरफ बहुत कम पक्षी ही जाते थे। एक दिन कालू कौवा अपनी भांजी पिंकी चिड़िया से कहता है, रस निचोड़ के भांजी, उस टुनटुनी की दुकान की तरफ तो देख, ग्राहकों का तो तांता लगा है तांता। मामा, टुनटुनी चिड़िया थोक की दुकान से रसगुल्ले खरीद कर ना बेचती, उसने तो दूध के लिए घर में गाय भैंस पाल रखी है। अच्छा, रस निचोड़ के, तो ये सब घर के दूध से बने रसगुल्लों का कमाल है। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया की गौशाला के सामने से गुजर रहा होता है और वो सोचने लगता है, रस निचोड़ के, इसने तो बड़ी हष्ट पुष्ट गाय भैंस पाल रखी है, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। एक रात कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर आता है। टुनटुनी और उसका परिवार अपने घर में निश्चिंत होकर सोए हुए होते हैं। तभी कालू कौवा कुछ पक्षी के साथ चोरी छुपे उसकी गौशाला में घुस आता है। रस निचोड़ के, कान खोल कर सुन बटुन्नू, इन सब गाय भैंसों को चोरी करके जंगल में छुड़वा दो और गौशाला को आग लगा कर चुपके से यहाँ से निकल जाना, समझा? अरे जंगल में क्यों छोड़ा है कालू जी, इन्हें तो हम नदी पार वाले गांव में बेच आएंगे। रस निचोड़ के, जो मर्जी आए सो करो, पर एक बात का ख्याल रखना कि किसी को कानो कान खबर ना हो। कालू कौवे के ये कहने पर टुन्नू चिड़ा सब गाय भैंसों को चुरा कर उसकी गौशाला में आग लगवा देता है और फिर वहाँ से सुरक्षित भाग निकलता है। फिर जब तक टुनटुनी चिड़िया को इस घटना का पता चलता है, सब कुछ जलकर राख हो चुका होता है। ना जाने किसने दुश्मनी निकाली है, मेरा जमा जमाया धंधा पल भर में चौपट कर दिया। अरे भगवान का शुक्र मना बेटी कि गौशाला में हम नहीं सो रहे थे, सोच अगर हम सो रहे होते तो क्या होता। माँ की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहती है, शायद तुम ठीक कहती हो माँ, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ बेटी, भगवान ने चाहा तो तेरा पहले से भी अच्छा काम चलेगा, देखना। उस दिन के बाद कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया अपनी दुकान को बंद करके रखती है और इसके चलते कालू की दुकान चल पड़ती है। उसकी दुकान पर रसगुल्ले के ग्राहक मधुमक्खियों की तरह मंडराने लगते हैं। रस निचोड़ के भांजी, मेरी तरकीब तो काम कर गई, देखो तो ग्राहक कैसे आसमान के ओलों की तरह बरसने लगे हैं। भगवान ने चाहा तो ये ओले ऐसे ही बरसते रहेंगे मामा। एक दिन गांव का जमींदार कड़कनाथ सेठ अपने आदमियों के साथ आता है और टुनटुनी चिड़िया के घर का दरवाजा खटखटाता है। अरे कोई है टुनटुनी? ओ टुनटुनी, अरे दरवाजा तो खोलो। टुनटुनी चिड़िया दरवाजा खोलती है तो जमींदार कड़कनाथ सेठ खुश होते हुए कहता है, तेरे लिए खुशखबरी है, सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। ऐसी क्या खुशखबरी है जमींदार जी? 10 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है और उसमें रसगुल्ले बनाने का काम तुझे करना है, समझी? पूरे 500 किलो रसगुल्ले बनाने हैं। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया सच में बहुत खुश होती है और उसका चेहरा कमल सा खिल उठता है और वो जमींदार से कहती है, जमींदार जी, मैं रसगुल्ले जरूर बनाऊंगी। हाँ तो ये 10,000 एडवांस पकड़, बाकी शादी वाले दिन मिल जाएंगे, पर इस बात का ख्याल रखना कि रसगुल्ला खराब हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ जी जमींदार जी। कालू कौवे को जब इस बात का पता चलता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। वो भागते भागते पिंकी चिड़िया के पास आता है। रस निचोड़ के भांजी, तेरी इज्जत का तो फालूदा निकल गया फालूदा। पिंकी की इज्जत का फालूदा निकालने वाला कौन पैदा हो गया? रस निचोड़ के भांजी, होगा कौन, वही जमींदार जिसकी तू खास बनी फिरती है। ऐसा क्या किया उसने? रस निचोड़ के भांजी, तेरे होते हुए भी बेटी की शादी में रसगुल्ले बनाने का काम तुझे ना देकर उस कुलक्षणी टुनटुनी को दे दिया है। ये सुनकर पिंकी चिड़िया के दिल से नफरत की चिंगारियां फूटने लगती है और उसका चेहरा जलती भट्टी से लाल हो जाता है। वो अपने मामा से कहती है, उदास ना हो मामा, एक तो पिंकी जो कमाल दिखावेगी बस वो काम करूंगी, वो नाच पीटी टुनटुनी चिड़िया अब ई गांव में रहने लायक ही नहीं रहेगी। रस निचोड़ के, सच में ऐसा होगा? बस देखते जाओ मामा।
शादी से पहले टुनटुनी चिड़िया शुद्ध और ताज़ा दूध खरीदकर दिन रात लगकर जमींदार के लिए सफेद रसगुल्ले तैयार करने में जुट जाती है। उसकी माँ बबली कबूतरी और बेटी टूनी चिड़िया भी रसगुल्ले बनाने में जुट जाती है। सब मेहनत करके रसगुल्ले बनाते हैं। टुनटुनी चिड़िया और दिनों की तरह देवी माँ को रसगुल्ले का भोग लगाती है तो हैरान रह जाती है। हे देवी माँ, मेरा भोग स्वीकार करो और मुझ पर अपनी कृपा दर्शाओ। माँ माँ, रसगुल्ला तो नीचे गिर गया। बेटी दुखी मत हो, ये रसगुल्ला टूनी को दे दे, टूनी कुआरी है, खा लेगी। बबली कबूतरी के कहने पर टुनटुनी चिड़िया वो रसगुल्ला टूनी को दे देती है और फिर जैसे ही टूनी रसगुल्ला खाती है तो तुरंत मुँह से बाहर थूक देती है। ये रसगुल्ला तो बहुत कड़वा है माँ। क्या कह रही हो टूनी, रसगुल्ला कड़वा है? हाँ माँ। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी रसगुल्ले चक्कर देखने लगती है। वो जो भी रसगुल्ले खाती है वही कड़वा निकलता है। ये देखकर टुनटुनी डर से कांपने लगती है। अब क्या होगा माँ, जमींदार को कल रसगुल्ले पहुँचाने हैं और सब रसगुल्ले तो जहरीले हो गए हैं। जमींदार तो हमारे तन से खाल खिंचवा लेगा। तू हिम्मत रख बेटी, अब तो देवी माँ ही हमें बचा पाएंगी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया अपने मामा से कहती है, मैंने अपना काम कर दिया है मामा, अब देखना टुनटुनी के जहरीले रसगुल्ले खाकर सब उल्टियाँ करते फिरेंगे और जमींदार उसकी कैसे खाल खिंचवाएगा। टुनटुनी और बबली गहरी चिंता में पड़ जाते हैं और उसी समय टूनी के मन में विचार आता है। वो एक रसगुल्ला उठाकर बगीचे में जाकर उसे मिट्टी में दबाते हुए कहती है, हे देवी माँ, मैं इस रसगुल्ले को जमीन में दबा रही हूँ। तुम कल सुबह तक इसे रसगुल्ले का पेड़ बना देना, जरूर बना देना देवी माँ, नहीं तो जमींदार हमें बहुत मारेगा। ये कहकर टूनी चिड़िया वापस आ जाती है और फिर जैसे ही रात होती है वो रसगुल्ला सचमुच पौधा बनकर उगने लगता है और देखते ही देखते बड़ा पेड़ बन जाता है। उसमें सफेद सफेद रसगुल्ले लग जाते हैं। सुबह जैसे ही टूनी उठकर बगीचे में जाती है, रसगुल्ले का पेड़ देखकर हैरान रह जाती है और वो पेड़ से एक रसगुल्ला तोड़कर अपनी माँ के पास आकर कहती है, माँ रसगुल्ले मिल गए। रसगुल्ले का पेड़ देखकर टुनटुनी और बबली बहुत खुश हो जाती हैं। इस तरह रसगुल्ले के पेड़ से जमींदार को रसगुल्ले मिल जाते हैं और वो रसगुल्ले सबको बहुत पसंद आते हैं। उस दिन के बाद से टुनटुनी उसी पेड़ के रसगुल्ले अपनी दुकान में भी बेचने लग जाती है और उसकी दुकान फिर से चल निकलती है। वहीं कालू कौवे की दुकान पर ताला पड़ जाता है और वो गाँव छोड़कर चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, सेठ टुनटुनी को कितने रसगुल्ले बनाने का ऑर्डर देता है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टूनी का पति बंटी कबूतर रेलवे स्टेशन पे चाय बेचा करता था। चाय बेचकर उसे बहुत कम पैसे मिलते थे, उसी से वो अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन वो चाय बेच रहा था तभी पास वाले दुकानदार से किसी बात पर उसकी लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों को पकड़ कर जेल में डाल देती है। जब टूनी चिड़िया को इस बात का पता चलता है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा? मेरे पास तो बंटी को जेल से छुड़ाने के लिए पैसा भी नहीं है। कितनी बार उसे मना किया था कि अगर कोई दो बात बोल दे तो उसे वो सहले, लेकिन वो मेरी बात माने तब ना। अब मैं उसे कैसे जेल से बाहर निकालूं? इतनी रात में कोई वकील भी नहीं मिलेगा। टूनी चिड़िया के जोर जोर से रोने के कारण उसकी पड़ोसन चमेली कौवी उसके घर आती है। क्या हुआ टूनी बहन, क्यों इस तरह रो रही हो, क्या हुआ, जरा हमें भी बताओ, कुछ मदद कर पाऊँ तुम्हारी? तो रोने की तो बात है चमेली बहन, बंटी कबूतर को पुलिस पकड़ कर ले गई और मेरे पास एक ढेला भी नहीं है उसे बाहर निकालने के लिए। क्या किया था उसने जो पुलिस पकड़ कर ले गई? वो तो भला कबूतर है, ये बात सभी पक्षी जानते हैं। सुना है पास वाले दुकानदार से उसकी लड़ाई हो गई थी।
रो मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टूनी के पास अपने पति को बाहर निकालने का कोई इंतजाम नहीं हो पाता और बंटी के जेल चले जाने की वजह से उसकी चाय की दुकान बंद हो जाती है और घर में खाने पीने की कमी हो जाती है। एक दिन सुबह टूनी चुड़िया अपनी बेटी टुनटुनी से कहती है, बेटा चल आज से मैं तेरे पापा की दुकान पर जाकर चाय बेचूंगी। कितने दिनों से तेरे पापा की दुकान बंद है, चाय बेचकर कुछ पैसे जमा करूंगी, फिर तेरे पापा को जेल से छुड़ा लूंगी। हाँ माँ, पापा के बिना ये घर बहुत सूना सूना लगता है, मुझे उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं भी तुम्हारे साथ चाय बेचूंगी। दोनों माँ बेटे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने के लिए जाती है। चाय ले लो, चाय गर्मा गर्म चाय। टूनी चाय बनाती और टुनटुनी चुड़िया उसे ग्राहकों को देती। मैम साहब, आपको भी चाय दूं? गर्मा गर्म इलायची वाली चाय है। चल भाग यहाँ से, मैं इस तरह स्टेशन पर चाय नहीं पीती, मैं तो 5-स्टार होटल की चाय पीती हूँ। साहब आप ले लो ना, मेरी माँ बहुत ही लाजवाब चाय बनाती है। लाओ मुझे एक कप चाय दो। इतना कह रही हो तो पी कर देखता हूँ। टुनटुनी चुड़िया उसको चाय देती है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उनकी चाय ज्यादा नहीं बिकती। माँ मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। तो यहाँ बैठ ग्राहकों को चाय पिलाना, मैं तब तक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। टूनी चुड़िया कुछ दूर जाती है, वो देखती है कि एक दुकान पर काफी पक्षियों की भीड़ लगी है। भैया इस दुकान पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपको नहीं पता यहाँ कुल्लड़ पिज्जा बिकते हैं, पूरे स्टेशन पर बस यही एक कुल्लड़ पिज्जा की दुकान है, इसलिए यहाँ पक्षियों की भीड़ लगी रहती है। हे भगवान, आलू पकोड़ा प्याज पकोड़ा के बारे में तो सुना था, ये कुल्लड़ पिज्जा कैसा होता है? पकोड़े वाले भैया, अरे पकोड़े वाले भैया मुझे कुल्लड़ पिज्जा देना। टूनी कुल्लड़ पिज्जा लेकर टुनटुनी के पास आती है। ये ले टुनटुनी, कुल्लड़ पिज्जा खा। टुनटुनी कुल्लड़ पिज्जा खाने लगती है। माँ ये कुल्लड़ पिज्जा तो बहुत ही स्वादिष्ट है, लो तुम भी खाओ। टूनी चुड़िया कुल्लड़ पिज्जा खाने लगती है। कुल्लड़ पिज्जा खाकर टूनी चुड़िया टुनटुनी को कुछ पैसे देती है। ये ले पैसे, जाए से कुछ कुल्लड़ और चीज के पैकेट खरीदना और साथ में बेसन भी लेते आना। अगले दिन से टूनी चुड़िया कुल्लड़ पिज्जा बनाकर बेचने लगती है। अब उसकी दुकान पर चाय के साथ साथ कुल्लड़ पिज्जा खाने वालों की भीड़ लगने लगती है। बहन जी एक कुल्लड़ पिज्जा मुझे भी खिलाना। बहन जी लाइन में लग जाओ, सबको गर्मा गर्म कुल्लड़ पिज्जा मिलेगा। कुछ ही दिनों में वो अपने पति को जेल से छुड़ा कर ले आती है और फिर सभी मिलकर चाय की दुकान चलाने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।